तो वो उन्होंने जब यहाँ आके चेक किया, उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा
ये तो पूरा एक खानदान बात है, ये जगह उनकी है, आप यहाँ से निकल जाए तो बेहतर है। ये अभी रिसेंटली ये वाकई हुए? हाँ हाँ बिल्कुल, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 3 4 दिन हुए, मैक्सिमम 14 दिन है, जिसके बाद मैंने आपको कॉल किया। सर आप देख लो सर, कोशिश सी हो रही है, आवाज आ रही है, आवाजें आ रही है। चले नाजिन, आप लोग को एक और चीज बताते चले कि आज हमारे साथ ये हमारे गेस्ट पेरेंट्स हैं, ये हमारे साथ पूरे शूट होंगे, ठीक है। इन्होंने ही बुलाया और इन्होंने बोला कि मैं भी इस जगह को इन्वेस्टिगेट करूँ, ये हमारी टीम है, सर ने भी इंशाल्लाह, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं नूरियाबाद के इलाके में जहाँ पे ये अपार्टमेंट वाकई है, और ये उस अपार्टमेंट का एक फ्लैट है जहाँ पे ये सब मामला यहाँ पे हमें जो बताए गए हैं वो कुछ इस तरीके से थे जैसे आपने अभी हैदर अली भाई की जुबानी सुने जो यहाँ मामला थे। आसिम, आपको क्या आइडिया होता है इस प्लेस के बारे में, इस घर के बारे में? जिस तरह इन्होंने हैदर भाई ने बताया मैं मारिया कि यहाँ पर बच्चों की भी आवाजें इन्होंने सुनी है, फिजिकली खुद इन्होंने सुनी है और को देखा है, और इन्होंने हमजात को भी देखा है, तो ये भी आवाज सुनी है, हंसने की आवाज है, मुसलसल मतलब इन्होंने एक बार बड़ी ऐसी बधाई हैरत अंगेज जो जिसपे सुन के मैं और आसिम भी मतलब शॉक हो गए थे उस वक्त, कि इन्होंने बताया कि दो औरतें मलबूस लिबास में और मतलब यहाँ से ट्रेवल कर रही थी, बड़े बड़े बाल बनाए, और इसी घर के अंदर उनकी उनके बच्चे भी मौजूद हैं, और इनके हमजात बिल्कुल इनके भाई के सामने आके खड़े हो गए, तो जिसपे मैं और आसिम तो बड़े सुन के बड़े हैरान हो गए कि यार ऐसा भी होता। मेरा मतलब ये, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वो जो दो उनको दिखी गई है औरत के लिबास में, और वो तो मेरे लिए ऐसे यार ये इस घर में कोई हिस्ट्री नहीं होगी उनकी, या हो सकता है कि ये घर पहले किसी जमाने में उन लोगों का हो, या यहाँ पे कोई ऐसा कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई हो जिसकी वजह से वो यहाँ पे बसेरा हो गया, उसको रुका और किसी को रिहाइश पर से रोड नहीं दिखे। भाई पहली बात टेम्परेचर के साथ चेंज है, घर में घुसे अजीब सी गर्मी, हादसा हो रहा है, हादसा हो रही है, और जब से हम लोग घुसे मुसलसल नॉइस पीछे से बहुत आ रही है, तो ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। दौरान अच्छा एक चीज और, यहाँ पे स्मेल बहुत आ रही है ना इस जगह में, पूरे घर में मेरे ख्याल से 5-6 कमरे हैं यहाँ पे इस घर के, और पूरे सारे घरों में स्मेल एक अजीब सी जो कहते हैं कि वो की गंदी मतलू जो होती है, तो वो उस टाइप की आसिम स्मेल आ रही है। मुझे ये बताइएगा जब आप पहली दफा यहाँ पर आए थे तो भी यही पूरा एटमॉस्फेयर था? हाँ इसी तरह का था, ये तो आपको आपके साथ साथ ज्यादा बड़ा लग रहा है, मुझे पहले तो था ही लेकिन अब कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो क्योंकि हम लोग तो 2-4 दिन में ही वापस, मतलब उसी रात वापस चले गए थे सुबह, अब 2-4-6 दिन बाद जो है मुझे और ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। तो जब आप 2-4 दिन 6 दिन आपने यहाँ पे स्टे किया तो आपको स्मेल लगी? 2-4 दिन 6 दिन स्टे नहीं किया, रात स्टे एक स्टे का था, रात एक स्टे का था, अब ये 4-6 दिन मुझे मैक्सिमम शायद आप लोग के साथ 6ठा-7वां दिन होगा, तो अब कुछ ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, और कुछ जो माहौल की जो एक समझते हैं जैसे किसे कहते हैं ना कि कैद करना अपने अंदर, ऐसा माहौल ज्यादा हो रहा है, यानी एक रात भी और रुक रहे थे उस चीज में, इतनी भारी चीज मौजूद है। भाभी आज हमारे साथ हैदर साहब जो है हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के सर में, तो इनके साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं, चलो फिर इन्वेस्टिगेशन। शेरी लगता है कि ये लिविंग रूम जो मास्टर रूम जो बोलते हैं बेडरूम, ये वही है? सही कह रहा है। अच्छा हैदर भी एक बात होता है ना, मतलब ये चीज ऐसी डेफिनेट हुई थी? ये डेफिनेट ऐसी नहीं थी, ये मतलब कबर्ड वगैरह बंद थे या शीशे वगैरह जो है ये बंद है, आज ये सारे जो है ओपन हुए हैं, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं बता नहीं, मैं मतलब अपने हाथ से इनको बंद करके गया हूँ, बकायदा यहाँ से जब हम सुबह गए सब ऑफ करके गए हूँ, लेकिन यार देखे यहाँ तो कोई आया नहीं है, या किसी बिल्ली या किसी चूहे वगैरह का तो ये काम नहीं किया, बड़े बड़े कबर्ड बोल रहे हैं। देखा
गला है लकड़ी का पटरा, ये वो है कि जल गया है बिल्कुल, देखो बहुत ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छे से ना ये जगह बंद है। अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही है। अच्छा हेलो, ये मुझे बताइएगा यहाँ पर टोटल कितने रूम है? ये मैक्सिमम 5 रूम का है। चले दूसरा रूम देखते हैं बाकी। चल ये आप देख रहे हैं वायरिंग वगैरह देखे आपको अंदाजा हो जाएगा जो वायरिंग हुई है ये मैक्सिमम 20-25 साल पुरानी वायरिंग लग रही है, ये वायरिंग भी अभी की नहीं है। ये तो वॉशरूम ऐसा बता रहा है सदियों से ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आपने एक दिन भी कैसे स्टे किया इस घर के अंदर यार? इसके तो कोई नहीं ना समझे, पूरी रात हम लोगों ने जाके गुजारी है और जब 4 बजे के बाद जब आसान हुए जो एक शांति से हुए थे ये देखो मामी। अबे ये क्या है आसिम आसिम आसिम, ये कफन है क्या है ये? ये कफन लग रहा है, कफन लग रहा है, कफन है ये पहले था? ये पहले नहीं था, ये तो मुझे बोतल यार मेरा, मैं तो ये कह रहा हूँ आसिम जी, क्या मतलब क्या कबर का सामान ही क्या ब्लैक मैजिक होता है क्या? ब्लैक मैजिक नहीं माफिया, ये वही है वो हैदर भाई ने जैसे बताया आसिम, मुझे तो वही लग रहा है कि वो दो और सफेद लिबास में मलबूस वहन तो हो नहीं सकता। अब ये आप लोग देख रहे हैं वो तो था भी नहीं जब मैं आया था, ये तो कबर बिल्कुल खाली था, ये कथा भी रखा हुआ है। पूरा कंप्लीट कफन रखा हुआ यार, आप मेरा देख लो कितना हो रहा है, मिट्टी ले लीजिए पढ़ाई तो यार। मुझे अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कबर्ड खोलिए वो बशीर ने और उसमें से कबर और काफूर की बोतल निकाली, क्या कैसे हो सकता है वो? एकदम से मैं इससे बात करता हूं, मैं एकदम से कैमरे में देखा, मैं तुम्हारे पास ही देख रहा था, मैं तुम्हारे कैमरे में, क्योंकि जब ये बता रहे थे मुझे तो तुमने इनके पीछे वो चीज देखी। मुबशर ये किस चीज का सिग्नेचर है यार, मतलब एक कबर्ड के अंदर वो भी इतने साल पुरानी कबर्ड और उसके अंदर कफन और काफून की बोतल। मैं तो इस बात का हैरान कर रहा हूं, जब ये हैदर भाई कह रहे हैं कि जब मैं आया था यहां तो कुछ भी नहीं था, खाली था, मैं अपने हाथ से लॉक करके गया हूं, ऐसा ही है बिल्कुल। ये भी यहां मैं अपना सामान रखा था तो सफाई वगैरह लाजमी थी जी, तो मैं खुद इन जगह को साफ करके गया था। और ये 3-4 दिन पहले ही बता रहे हैं मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि सभी हुआ अगर सफाई होती तो लाजमी थी कबर्ड की सफाई, तो आप देखे ना उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, और अभी माशाल्लाह मामला और ज्यादा बढ़ गया। जो देखते हैं अभी तो 2-3 कमरा हुए, बाकी और से वो भी जाते हैं देखते हैं फिर उसके बाद उसके दर्दन छोड़ चलो।
किचन में ये किचन देख लेते हैं मारिया किचन देखा दे छत भी टूटी हुई है कैबिनेट खोलते इसमें क्या आसिम मत छू उस चीज को नहीं यदि वो पेंट का सामान वगैरह लग रहा है जिस तरह ये बता रहे ना ये देखो बाल्टी वगैरह ना जी बता रहे थे पेंट का सामान मतलब ये लाए थे यहाँ पे कि यहाँ पे इसको बाकी रिनोवेट करें लेकिन वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि छोड़ के भागना पड़ा ये वही सीन है जो अभी जो बताया ना इन्होंने हैदर वाइट है कि दीवारों पे जो पेंटों के उंगलियों के निशान नहीं है लग तो उंगलियों के रहे निशान मतलब ये जगह सालों से बने लेकिन इस तरीके से उंगलियों के निशान का होना ये एक अजीब सी बात चलो चलते उधर बाल्टी का जो उन्होंने बताया था आपने जो बताया था वही दीवारों पे जो पेंट चलो भी ये सोच रहा हूँ उसको देख तो ले छत से आई आवाज नहीं 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 छत से नहीं बराबर वाले रूम से आई ऐसे नहीं है ये ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है आ रहा है या किसी को पता है कि हम यहाँ घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई सैंडल पहन के घूम रहे हैं जैसे सैंडल की आवाज कोई आवाज जो सैंडल की आवाज है यही आवाज है तो आज के लिए अभी टाइम इतना नहीं हुआ है जैसे रात का टाइम ज्यादा होता है तो ये आवाजें और ज्यादा मस्जिद में पहुंच जाती है वो बच्चे की आवाज आ रही है वो बच्चे की आवाज आ रही है बच्चे की आवाज आ रही है बिल्कुल ये वही बच्चे की आवाज है जो दिन भी सरगोशियां थी आज तो फिर भी अभी वक्त इतना नहीं हुआ है जैसी जैसी रात पड़ेगी तो आवाजें बाकायदा बुलंद हो जाती है मारियन वही रिपोर्ट रहेगी वो चेक करते हैं फिर मैं बोलता हूँ हम लोग यहाँ पर स्प्लिट हो गए ये क्या ये खून है तो ये खून है ये कलर नहीं है मैं अभी काफी देर से नोट कर रहा था लेकिन अभी मेरी दोबारा नजर पड़ी इस चीज पे कलर नहीं खून है खून दे देते नहीं 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 छोड़ दे टच नहीं करो टच नहीं करो नापाक खीर होती है ये नुकसान पहुंचाएगी ये कि किस जगह आ गए हम लोग मतलब इतना उस कबर्ड खोली तो उसमें कफन दूसरी खोली तो उसमें काफूर की बोतल इधर भी खोली इधर यहाँ पे ये चीज मिल गई समझ नहीं आ रहा तुम्हारे पसीने कितने निकले हैं ये हस्पो ज्यादा हो मुझे घबराहट हो गई सब चीज मैं सिविल लास्ट बोल उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं स्प्लिट हो गई क्या बोल रहे जो हमारा फॉर्मेट है हम वो करते हैं हाँ चलो आने चलो साले बेटे बुलियो आ जा जा माफिया चल ये जाप हुई ओए ओए तुम लोगों ने एक चीज नोट की है एक तो ये बिल्ली है ऊपर से काली बिल्ली है और काली बिल्ली
काली बिल्ली है, वो उसको मारा गया है। ऐसी गर्दन पूरी खाई हुई है। इसमें जिस वजह से नहीं आ रही थी हो सकता है ये बदबू शायद इस वजह से तो नहीं आ रही। नहीं ये बदबू तो किसी ने की होगी या कोई ऐसी चीज बिल्कुल ये हमें बागानी के लिए तरीका तो राइट पे राइट की बात है। लोगों को पता है कि हम यहाँ फिर रहे हैं बाकायदा समझने के लिए वो समझ गए कि हम यहाँ आ रहे हैं और ये कवर हो रहे हैं और जैसे जैसे रात का टाइम ज्यादा बढ़ेगा ये बाकायदा और घटना शुरू हो जाएंगी बिना तो बता देंगे ज्यादा इसे ला के जाए तो बेहतर है। स्प्लिट होगी पहले अगर अभी साइन मिलेगा इधर मुखातिब करने के ये वही ये दरवाजा भी बंद हुआ है ये तो खुला था अभी से तो एंटर हुए कौन है यार ये मशीन कवर्ड ऐसे लोग देख के ये कवर्ड बंद हुई है ये कवर्ड बंद हुई है डोर बंद हुआ है कौन है यार मैं तो आसिम कहता हूँ यहाँ पे अब अकेले बैठ गए इस यहाँ पे ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्या कहते हो कर लो बस ये बोलो चलो करते हैं इसलिए वो चीज कभी यहाँ से आवाज आ रही है कभी उस कमरे से आ रही है वो जो बिल्ली वाली जगह वहाँ नहीं जा सकते वहाँ पर अंदर जाने के लिए काबिल नहीं है एक काम करते हैं ना वो बच्चे और ये भाई ये दोनों साथ होते तुम और शरीफ मामले और शरीफ ये दोनों दबाना मेन अजीत का दबाना ये दोनों दबाना मेन अजीत का दबाना
मैं इस कमरे में ये कफन जाए यहाँ पर मैं रुकूँ, क्या बोलते हो भाभी? सही है, सही है। चल कैमरा प्लेस कर दिया था भाई, सही ना? अब जो भी कुछ होगा इस कैमरे के सामने घुटन सी महसूस नहीं हो रही अजीब सी? हाँ बिल्कुल, मुझे तो एहसास है इस बात का, मैं तो रात यहाँ इससे करके गया हूँ, मुझे तो अंदाजा है इस बात में, क्योंकि मैं अभी जब हम लोग आपस में सब विजिट कर रहे थे तो मुझे तब भी घुटन हो रही थी, फिर पीछे वो वाले जब रूम देखा तो उधर तो इतनी कोई गंदी सनी भी बदबू आ रही थी कि उससे तो दिल ही मतली हो गया। ये मामले तो और ज्यादा बिगड़ गए जो इस वक्त थे आज से 7-8 दिन पहले, अब मामला कुछ और ज्यादा संगीन हो गए। एक काम करते हैं, मुखातिब करते हैं यार इसी को इधर। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि ये चीज अपने होने का मुसलसल एहसास दिला। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए ना बिना नुकसान पहुंचाए, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए ना बिना नुकसान पहुंचाए। तो कैमरा प्लेस कर दिया है हम लोगों ने, तो जैसा कि आप लोगों को बताया था आसिम उस एरिया में चले गए हैं, वो वाले कमरे में वो शेरी और हैदर भाई जो यहाँ के गेस्ट हैं जिनका ये मकान है वो पीछे वाले कमरे में चले गए, और ये कमरा हमने सोचा था कि यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करें और उस मखलूक को फील करें और कोशिश करते हैं कि वो मखलूक अपनी मौजूदगी का एहसास हमें उनके अमला करवा सकें, अपनी मौजूदगी का एहसास हमें उनके अमला करवा सकें। तो मुझे क्या कहता हूँ यार, ये जगह मतलब यहाँ पे सबूत तो हमें मिले हैं लेकिन ये खुल के मुझे सामने नहीं आ रहे, खुल के मुझे सामने नहीं आ रही यार, एक अजीब सी बदबू सर छोटा सा माहौल अंदर से आए हम लोग यहाँ पे। असल में यार ये वो बिल्ली भी तो होती ना जो शेर की तरह खराब हो गई, तो बिल्ली भी मरी हुई थी, वो एक पहली है मेरे रियाज के लिए, तो काली बिल्ली है यार, काली बिल्ली मरी हुई थी, तो मतलब एक होता है बिल्ली हमें हमेशा ऐसी जगह पर काली बिल्ली हुई थी, अच्छा कोई चीज़ देख रहा हूँ बिल्ली भी कैसे थी, उसके बाहर वहाँ सब अलग पड़े उसकी खाल चिक्की थी बस सब चीज, लेकिन अच्छा उसको शिकार जिसने भी किया तो खाने के लिए नहीं किया वो, इसलिए देखा तुमने नोट की बात, उसी मारा है काली बिल्ली को उसके बस कोने में ऐसी पड़ी। यार वो काली बिल्ली का मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब उसका शिकार किसने किया है, तो मतलब किस लिए वो उसको मारा गया होगा, वो क्या पता नहीं पीछे उसके राज है कि वो काली बिल्ली मरी हुई है और वो ऐसे बोले बिल्ली और क्या, और जैसे जब तुम लोग रूम में आए जब उस कवर्ड खोला है उसके अंदर कफन साफूर अगरबत्तियां अजीब, और वो देखते देखते देखा वो कवर्ड कैसे खुल बंद हुआ, बिल्कुल, और ये मेरा जहाँ तक ख्याल है दूध जो है मैक्सिमम 15-20 साल पुरानी डेट लग रही है मुझे इसमें, मैक्सिमम ये 15-20 साल पुरानी डेट है, और ये तो इस दौर में है कि आजकल की सोसाइटी में दूध भी नहीं है। गंदी सड़ी हुई बदबू, बिल्कुल चम्मच वगैरह सब गिर रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं दरवाजा बंद ही कर देता हूँ, ये कफन वाली जगह है, मैं आपको चारों तरफ दिखा दूँ कि कमरे में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं है, ये बाथरूम है, अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर, बकायदा पूरा दरवाजा, कौन है कौन है, कोई है, दरवाजा बंद कर,
अभी आपने देखा, मैंने जैसे बाथरूम के दरवाजे को मैंने नॉक किया है, इतने अल्लाह अकबर इतने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह एक सेकंड अबे वो माफिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह माफिया 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 अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ली जब हम लोग सब अंदर आए उसके बाद जब हमने कफन देखा उसके बाद काफूर उसी कबर्ड में और कबर्ड की हालत देख लो क्या है सदियों से ऐसा लग रहा है वीरान पड़ा हुआ है यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी मखलूक है ना वो यहाँ पे किसी को रिहाइश मंजिल होने नहीं दी वो बता रहा है भी कि यहाँ पे मैंने एक रात अपने जो मामला होते हैं जो बंदा नया घर लेता है ना रात में अपनी शिफ्टिंग वगैरह का सामान लाता है वो कह रहा है एक ही रात में उसको भागना पड़ गया इस तरीके से यहाँ पे जो चीजें उसकी बात तो करी वो कह रहा है उसने भी उसके भाई ने बाहर गुजारी रात पूरी कुछ मतलब थोड़े से मिनिमम आधे घंटे के लिए उनके साथ इतनी हैपनिंग हुई कि वो भागे बाहर वो मतलब काफी सोई थी यहाँ पे ना वो यहाँ पर किसी को भी रहने नहीं दे रही है मुझे वो क्या हुआ है भाई आराम सांस ले हुआ क्या अबे दरवाजा बंद कर दिया था मेरा किसी ने हकीकत में कसम खुदा की यार कसम खुदा की दरवाजा बंद कर दिया था मैं इतनी देर से तुम लोग को आवाज दे रहा हूँ चीख रहा हूँ दरवाजा खटखटा रहा हूँ बकायदा दरवाजा बाथरूम में मेरा दरवाजा फिर नॉक किया वो पीछे से आकर धुम लगा यार हमने तो कोई आवाज नहीं आई कोई आवाज नहीं आई हम लोग अपनी कन्वर्सेशन कर रहे थे और कोई कोई शैली की तरह शैली क्या वो पीछे वाले कमरे में होगा शैली उनको बुलाओ यार शैली भाई इधर रुक जा यार इधर रुक जा मैं परेशान नहीं यार डर दिया यार आसिम भी क्या हुआ तुम्हें भी आवाज दिया नहीं मेरी ये तो अभी वहां आया वो हैदर ये लोग वहां पे तो ये लोग कह रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये लोग बाहर निकल गए थे अगर मैं तो बाहर भाग गया हैदर के साथ मैं भी कसम खा के कह रहा हूं मेरा दरवाजा बकायदा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है मैं दरवाजा पीट रहा हूं जोर से चीख रहा हूं तुम लोग किसी को आवाज दी नहीं यार किसी को भी आवाज नहीं आई हमें तो नहीं आवाज आई तो इसने बुलाया मैं तो बाहर खड़ा हुआ था घर के बाहर हैदर के साथ मेरे साथ तो बहुत अजीब चीज हो गया अभी क्या हुआ अबे मैं हैदर के साथ खड़ा हूँ अंदर कोने वाले कमरे में मैं मुखातिब किया उस चीज को मैंने अबे दूध का डब्बा सोच सकते हो बंद घर में दूध का डब्बा अबे खोल के देखा चम्मच निकला उसमें से पूरा डब्बा फेंका मैंने मेरे पास रोलिंग को करता हुआ आया वो मैं क्यों भागू घर के बाहर हार्ट अटैक हो गया यार मेरे साथ जो जो कफन वाली जगह ना अलमारी के पास तो मैं गया ही नहीं होगी सिर्फ मैंने दिखाया मैं बोला चलो वॉशरूम देखता हूँ ठीक है वॉशरूम देखा है मैंने बस मैंने जस्ट वॉशरूम पे मैंने नॉक किया पीछे से धड़ाम करके दरवाजा बंद हुआ और फिर उसके बाद जब मैं अपने थोड़ा सा मैं अनकॉन्शियस मतलब मेरे समझ नहीं आया क्या हुआ मेरा होश आवाज उड़ गए
फिर मैं जब दोबारा दरवाजे के पास जाके मैंने बंद किया इसको दरवाजे को, फिर मैं वापस मुड़ा, फिर दोबारा से इसी तरह की बात आई। मैं जब बाथरूम की तरफ गया, तुम लोगों को आवाज नहीं इसी तरह से मुझे नहीं पता सब मेरे साथ था, लेकिन अभी ना मैं नहीं आता, हो सकता मेरे साथ। यार मैं तरफ जा रहा हूँ।